हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। जी एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सभी एमसीक्यू आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। एमसीक्यू करने से पहले अगर आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको जो एमसीक्यू इजीली समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपसे एमसीक्यू सॉल्व हो पाएंगे। तो स्टूडेंट, इस चैनल पर मैंने 3 चैप्टर्स के जो एमसीक्यू थे अपलोड कर दिए थे, फिजिक्स के भी कर दिए हैं, मैथ के भी कर दिए हैं और केमिस्ट्री के भी कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। सो आज हम करेंगे लास्ट चैप्टर के एमसीक्यू। फर्स्ट है द मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन आर रिलेटेड एज। मींस इस क्वेश्चन में हमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में एक रिलेशन पूछा गया है। एंड स्टूडेंट, आपको पता है कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। एक्स, सपोज करो हमारा एक्स कोई एलिमेंट है और जिसका मास नंबर में गिवन है ए, दैट इज हियर, एंड एटॉमिक नंबर है जेड। ठीक है, मास नंबर ए गिवन है, एटॉमिक नंबर जेड गिवन है, और हम न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते थे बताओ फटाफट। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो देखो, इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन गिवन है हमें ए, दैट इज ए माइनस जेड। सो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। तो किसी बुक्स में इसको रिप्रेजेंट करने का वे कुछ और हो सकता है, सो वो आप देख लीजिएगा। बस आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंटेशन चाहे कुछ भी रही हो, लेटर्स चाहे कुछ भी यूज कर रखी हो, बट आपको फॉर्मूला लर्न करना है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, क्लियर। सेकेंड इज इन न्यूक्लियस ऑफ दिस एलिमेंट देयर आर। सो इस एलिमेंट में हमें पता है 20 इसका एटॉमिक नंबर है, 40 इसका मास नंबर है। जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा होता है और जो मास नंबर है वो ऊपर लिखते हैं। इतना तो आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर को अच्छे से क्लियर करा है। अगर नहीं पता तो समझ लो, एटॉमिक नंबर ऑलवेज एलिमेंट के नीचे लिखते हैं और मास नंबर को एलिमेंट के ऊपर लिख दिया जाता है। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये एलिमेंट हमें गिवन है, देन देयर आर न्यूक्लियस हैज 40 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस ऑप्शन में आप कर सकते हैं 40 प्रोटॉन लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो बार लिख दिया मैंने, प्रोटॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स। सो सेकेंड ऑप्शन है 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड 40 प्रोटॉन्स, सी 20 न्यूट्रॉन्स एंड 20 प्रोटॉन्स, डी 20 प्रोटॉन्स एंड 40 न्यूट्रॉन्स। सो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व करके बताना है। सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कैसे करते हैं, न्यूट्रॉन्स फाइंड कैसे करते हैं। बिकॉज इस एमसीक्यू में हमें ऑप्शंस गिवन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स की टर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड अवेयर फ्रॉम हाउ टू फाइंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सो देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल, इन केस ऑफ न्यूट्रल बता रही हूँ, जो आपका एटॉमिक नंबर रहेगा वही आपका प्रोटॉन रहेगा। तो हम साइड में लिख लेते हैं, इस केस में एटॉमिक नंबर 20 है, दैट मीन्स प्रोटॉन हमारे 20 है, क्लियर। सो अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस हैज 40 प्रोटॉन, दैट मीन्स ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। सेकेंड देखो, 20 इलेक्ट्रॉन एंड 40 प्रोटॉन, जी आंसर भी हमारा नहीं हो सकता।
सी है 20 न्यूट्रॉन एंड 20 प्रोटॉन, ये हो सकता है डी 20 प्रोटॉन एंड 40 न्यूट्रॉन। सी और डी में कोई एक आंसर हमारा सही होने वाला है, इसलिए हमें पता होना चाहिए अब न्यूट्रॉन्स कितने, क्योंकि इस ऑप्शन में न्यूट्रॉन है 20 और इस ऑप्शन में न्यूट्रॉन है 40। चलो देखते हैं न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला मैंने ऊपर बता रखा है, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं बोलो। यस यस, मास नंबर माइनस माइनस एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। सो देखो इस क्वेश्चन में मास नंबर है 40, तो 40 माइनस 20 बिकम 20, दैट इज योर न्यूट्रॉन। सो देखो सी ऑप्शन में 20 न्यूट्रॉन दे रखा है, डी में 40 न्यूट्रॉन है, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, सो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी था, बट हमें जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी समझ लो। प्रोटॉन आपने फाइंड करने सीख लिए, जितना एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पता चल गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा न्यूट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे जितना आपका एटॉमिक नंबर है, जहाँ कह लो जितने आपके प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे जितने आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, सो चलो आगे देखते हैं। थर्ड है आपका कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, कैथोड रे किसकी बनी होती हैं, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फोर्थ, अ न्यूट्रल एटम विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन वन हैज, राइट आंसर इज न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिफ्थ है आइसोटॉप्स हैव ऑप्शन नंबर ए, तो इसके लिए आपको आइसोटॉप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर ये एमसीक्यू आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, सो देखो फर्स्ट है सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डी नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट आइसोटोप वो होते हैं जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर, सो इस ऑप्शन में हमें ऐसी ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रही, सो आंसर इज डी। क्लियर, सो नेक्स्ट सिक्स, सिमिलरली स्टूडेंट जैसे आइसोटोप के पूछा गया है, सिमिलरली आपको आइसोबार के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो भी आपने डेफिनेशन जरूर क्लियर करनी है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन निकालने से पहले आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का बोलो, इसे आता है 8। यस वेरी गुड, एटॉमिक नंबर 8 रहता है। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिख लिया, अब है वैलेंसी। वैलेंसी को लिखने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 2.6। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2.6। अब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो इस ऑक्सीजन के लास्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब ये स्टेबल हो जाएगा। सभी को लाइफ में स्टेबल होना है, आपको भी स्टेबल होना है, तो ऑक्सीजन को भी स्टेबल होना है। तो ऑक्सीजन कहता है भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊँगा, तो वही हो जाएगी इसकी वैलेंसी। सो इसकी वैलेंसी है 2, दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगी तो 6+2 कितने होते हैं 8। अगर एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में तो वो स्टेबल हो जाता है। एक्सेप्ट योर फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। 7 देखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट दिस, फिर वही क्वेश्चन आ गया है कि न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो न्यूट्रॉन्स अब आप मुझे फाइंड करके बताओगे। चलो सोचो, सोच लिया क्या आंसर आया, हाँ शाबाश।
आपने फाइव बोला ना, जिन्होंने फाइव बोला वेरी गुड। देखो स्टूडेंट, न्यूरॉन्स फाइंड करने थे तो मास नंबर 9 है और एटॉमिक नंबर 4 है, तो न्यूट्रॉन होता है हमारा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, सो आंसर इज 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 8th, द चार्ज ऑन एटम हैविंग 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम पर चार्ज पूछ रखा है जिसके पास 17 प्रोटॉन हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो एज कंपैरेटिव टू प्रोटॉन, देन उसके पास ऑलवेज नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव साइन विद 1। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें और नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, सो आंसर इज बी। अगर यहाँ पर स्टूडेंट 18 प्रोटॉन्स होता, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते, मीन्स प्रोटॉन ज़्यादा होते इलेक्ट्रॉन्स कम होते, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ मेंशन कर देते। क्लियर? होप सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर भी अगर आपको डाउट है देन कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9th, एन एलिमेंट M हैज एटॉमिक मास 19 एंड एटॉमिक नंबर 9, इट्स आयन इज रिप्रेजेंट बाय। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 19 है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इस आयन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक नंबर 9 है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2.7। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन नंबर 6, अपनी कॉपी पर नोट ऑन करते जाओ स्टूडेंट, सभी MCQ 6 क्वेश्चन में देखो मैंने क्या बोला था कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, दैट मीन्स जो M है वो 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, सो इसका राइट आंसर होगा C, M माइनस 1। तो मैंने पहले ही बताया है अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन्स कम है तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही, प्लस आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाया जाता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करे और लॉस करता है तो वो हम साथ में लिख देते हैं, 1 की है 1, 2 गेन की है 2, 1 लॉस की है 1, 2 लॉस की है 2। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप चैप्टर पढ़कर आए हो तभी आप MCQ समझ रहे हो। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। 10th है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय। फर्स्ट जो मॉडल है एटम का किसने किया था? A, B, C, D बोलो। यस, डी, जे.जे. थॉमसन। बट आपने ये भी याद रखना है बोहर ने क्या मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, गोल्डस्टीन ने क्या बताया था, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। 11th, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्युमिनियम एटम इज। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है एल्युमिनियम एटम की, दैट इज इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो एटॉमिक नंबर फिर से बताओ इसका 13, सो हाउ कैन इट रिप्रेजेंट A, B, C, D बताओ। A, B, C, D उल्टा हो गया, सो आंसर है A, 2.8.3। क्लियर? 12, इलेक्ट्रॉन विद वैलेंसी 1R, ऑलवेज मेटल, ऑलवेज मेटलॉइड्स, ईदर मेटल और नॉन मेटल और नन। कहता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑलवेज वैलेंसी 1 ही रहती है, बताओ, सोचो। सो राइट आंसर है C,
ईदर मेटल और नॉन मेटल। देखो स्टूडेंट, विलेंसी वन किसकी होगी? अगर मैं मेटल की बात करूँ तो अल्कली मेटल, दैट इज योर ग्रुप वन एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल Na+, K+। ठीक है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे आपका ग्रुप 17, दैट इज योर हैलोजन्स, Cl-, F-, एटसेट्रा। इनकी वैलेंसी 1 है, इनकी वैलेंसी भी 1 है। जो लॉस कर रहा है मुझे गेन कर रहा है, लॉस करता है तो मैंने बताया था प्लस साइन, गेन करता है तो माइनस। कितने लॉस और गेन की है उसको हम प्लस माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर मैंने कुछ नहीं मेंशन किया, दैट मींस +1, +1, -1, -1 मींस इन्होंने एक गेन किया है और इन्होंने एक लॉस कर दिया है। क्लियर? होप सो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक तो कर दो, ऐसे ही देख रहे हो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो। कर दिया, वेरी 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 गुड। 13 देखो फिर, एटम में 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स हैज वैलेंसी। एटम है जिसके पास 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, इसकी वैलेंसी पूछी है। तो देखो इसमें एग्जांपल आएगी आपकी लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर है 7। 3 प्रोटॉन हो गए हमारे, प्रोटॉन मैंने बताया था प्रोटॉन उतने होते हैं जितने एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन 3। तो न्यूट्रॉन कैसे आएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट बिकम 4। तो इसकी वैलेंसी पूछी है, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकलेगी स्टूडेंट? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कैसे लिखेंगे? 2, 1। तो 1 इसकी वैलेंसी आ गई, राइट आंसर इज सी। ठीक है बच्चों, सोचे थे आपके लास्ट चैप्टर 4 चैप्टर के MCQ, सो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, और प्रीवियस चैप्टर के MCQ भी ज़रूर देखें इस चैनल पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।